असलम एवरी वन वेलकम टू असलम एवरी एवरीवन वेलकम टू वर्कैब ग्राम लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस लेसनस अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास अच्छे फ्रेजेस और सेंटेंसेस होना बहुत जरूरी है और इस लेसन में मैं आपके लिए बहुत अच्छे इंग्लिश के जो कुछ फ्रेजेस हैं कुछ सेंटेंसेस हैं जो लेकर आई हूं जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलेंगे अपनी एवरीडे इंग्लिश में अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनको जो है ना वो शामिल कीजिए और एक अच्छी इंग्लिश बोलिए तो चलिए जी शुरू करते हैं पहला जैसे मेरे पास सेंटेंस है वो है जी सर्व्स यू राइट सर्व्स यू राइट जो है ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये बोला जाता है जब आपने किसी को ये उसके बाद साथ भी कुछ बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हारे साथ क्योंकि तुमने पहले बुरा किया था तो अब तुम्हारे साथ ये जो बुरा हुआ है ना ये अच्छा हुआ है तो ये बोलने के लिए आपने किसी को कहना होना की अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ तो वहां पर आप ये एक्सप्रेशन ये फ्रेज आप जो भी इसको कह लें इसको आप बोल सकते हैं सर्व्स यू राइट ये आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो इस फ्रेज का बहुत इस्तेमाल करते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जब है जी गिल्टी एस चार्ज ये भी आपने बहुत सुना होगा गिल्टी एस चार्ज ठीक है मूवीज़ में भी अक्सर यूज होता है कोर्ट रूम में भी होता है इसका मतलब क्या होता है गिल्टी एस चार्ज का मतलब ये है कि जो चार्ज किसी इंसान पे लगाया गया है ना वो गिल्टी है हाँ उसने वो काम किया है वो वो जो है ना कसूरवार है ठीक है तब

है तो वहां पर फन वे में भी लोग बोल देते हैं गिल्टी एज चार्ज कि मुझ पर जो चार्ज लगाया जा रहा है हाँ मैं गलती हूँ मैं गिलती हूँ आप लोग जो भी कह रहे हैं ना मैंने वो किया है ठीक है फन में भी लोग अक्सर बोल देते हैं ये नेक्स्ट हमारे पास है सम अर्जेंट वर्क क्रॉप्ड अप क्रॉप्ड अप का मतलब ये होता है एकदम से कोई चीज आ जाए सामने ठीक है जब हमने कहना होता है ना जरूरी काम निकल आया ठीक है एकदम से होता है ना कि आपकी रूटीन में वो नहीं था आपकी जो भी आपने अपनी मतलब डे को जो भी जिस तरह से भी किया हुआ था उसको शेड्यूल वो नहीं था आपने कोई काम अचानक से निकल आया तो तब आप कहते हैं सम अर्जेंट वर्क क्रॉप्ड अप कि अचानक से जो है ना बस यार एक जरूरी काम पड़ गया था अक्सर हम कहते हैं जरूरी काम पड़ गया था भी बोल देते हैं अगर हम कहते हैं यार जरूरी काम निकल आया था तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे सम अर्जेंट वर्क क्रॉप्ड अप ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी आ, बात का बतंगड़ बनाना किसी को कहना कि तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो तो यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल ठीक है ये इसके लिए बोला जाता है बात का बतंगड़ बनाना एक छोटी सी बात है उस छोटी सी बात को आप इतना बड़ा बना रहे हैं तो इट मीन्स के सवन इज मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल के एक बात का एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी समाइम्स थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न कभी कभार जो चीज़ें होती है ना वो किसी वजह से होती है अगर हम इसका लिटरल मीनिंग करें ठीक है वर्ड टू वर्ड अगर इसकी ट्रांसलेशन करें लेकिन हम उर्दू में ये भी बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है ठीक है तो वहां पर भी आप इंग्लिश में मतलब ये दोनों इसी तरह यही सेंस सेंस देते हैं कि दोनों जो मतलब उर्दू में जो दोनों जुमले हैं उनकी सेंस इंग्लिश में यही बनती है कि सम टाइम्स थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न के जो होता है वो अच्छे के लिए होता है नेक्स्ट हमारे पास है डू एज आई से अक्सर लोग इसको बहुत गलत तो नहीं कहना ये होता है जैसे मैं कहता हूँ ना वैसा करो तो लोग कहते हैं डू वट एवर आई से या कुछ और अंदाज़े बोलते हैं पर इसको जो नेटिव्स अक्सर बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे डू एज आई से वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ डू एज आई से अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डोंट डू अनलेस आई से सो ठीक है जब तक मैं ना कहूं तब तक ना करना अनलेस आई से सो जब तक मैं ना कहूं डोंट डू do, तब तक मत करना आप इसको इस तरह भी बोल सकते डोंट डू अनलेस आई से सो तब तक मत करना जब तक मैं नहीं कहता या आप ये भी कह सकते हैं कि अनलेस आई से सो डोंट डू जब तक मैं नहीं कहता मत करना ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास से वो है जी आई एम सॉरी बट आई कैन मेक इट टू दड़ी टू नोट कि जब आपको किसी ने इनविटेशन दिया हुआ है और आपने इनकार करना है आपने कि मैं नहीं आ सकता हूँ वहाँ पर आप बड़े आराम से ये कह सकते आई कैन मेक इट टू ठीक है आप किसी भी जब पार्टी कह लें आप या मीटिंग कह लें आप जहाँ पर भी आपको इन्विटेशन आपने पहुँचना है और आप नहीं पहुँच पाएंगे आपको लग रहा है कि आप नहीं पहुँच पाएंगे तो वहाँ पर आप ये कहना है कि आई एम सॉरी आई कैन कम इतना स्ट्रेट कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं आई कैंड मेक इट ठीक है कि मैं नहीं कर पाऊंगा मेक इट जो ना मतलब ज़्यादा अच्छा साउंड करता है ठीक है कि आई एम सॉरी बट आई कैंट मेक इट व पारी टू नाइट कि आज रात मैं पार्टी पे नहीं आ पाऊंगा आप आगे से पूछेगा कोई कि क्यों नहीं आ पाओगे आपने कहना कोई ज़रूरी काम पड़ गया है तो आप कहेंगे सम अर्जेंट वर्क क्रॉप्ड अप कि कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है दैट्स वाई आई कैंट मेक इट टू नाइट आज मैं नहीं आ पाऊंगा ऐसे भी बोला जा सकता है आप ये नहीं कह सकते जरूरी नहीं आप पार्टी या मीटिंग आई कैन मेक इट कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा या आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो अक्सर आप कहीं पे पहुंच ना, ना पा रहे हो कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो लोग वहां पर मेक इट बोल देते हैं आई कैन मेक इट टू या आई कैन मेक इट टू नाइट मैं आज नहीं पहुंच या आज रात नहीं पहुंच पाऊंगा ठीक है ही कूडन मेक इट वो वो नहीं आ पाया ठीक है इस करके इसको बोला जा सकता है अच्छा जी नेक्स्ट है जी व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट किस वक्त मूवी स्टार्ट हो रही हम में पूछते है ना ये कितने किस वक्त ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है व्हाट टाइम डज दैट प्रोग्राम स्टार्ट वो प्रोग्राम किस टाइम पे स्टार्ट व्हाट टाइम शो स्टार्ट शो कितने बजे स्टार्ट हो रहा है ठीक है जब हमें टाइम पूछना होता है किसी भी चीज के स्टार्ट होने का जो हमने देखना होता है ठीक है तो वट टाइम द द मूवी स्टार्ट या वट टाइम डज द शो स्टार्ट या डज दैट शो वो शो कब स्टार्ट हो रहा है ठीक है अपने हिसाब से जुमले की वेरिएशन आप उसकी कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वो है जी लेट्स मीट एट द एट दैफे अराउंड थ्री पी एम या थ्री ए एम तो कोई भी नहीं जाएगा पी एम ही जाएगा लेट्स मीट एट द कैफे अराउंड थ्री पी एम के आओ चलो तीन बजे जो ना कैफे में मिलते हैं अक्सर दोस्त बोलते हैं ना दो बजे मिलते हैं जो भी आपने कहना है लेट्स मीट एट द कैफे चलो फिर कैफे पे मिलते हैं ठीक है इस तरह हम कैजुअली बोलते हैं टाइम आगे बताना है तो फिर जाहिर है कि अराउंड थ्री पी एम मतलब तीन बजे के लगभग ठीक है तब कैफे में मिलते हैं या किसी और जगह पे आपने मिलने का कहना तो आप कह रहे हैं जो भी जगह है आपने बोलनी है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी आ, ये है इट माइट वर्क आउट फाइन अच्छा ये कब बोला जाता है इट माइट वर्क आउट फाइन हो सकता है कि सब ठीक हो जाए आप कोई काम कोई इंसान जो ना वो हिचकिचा रहा है उसको लग रहा है कोई काम स्टार्ट करने से पहले कि हो सकता है गलत हो जाए आपने अगर उसको ये कहना है कि हो सकता है ठीक हो जाए करके तो देख लो ठीक है ठीक भी तो हो सकती है चीजें तो फिर आप कहेंगे इट माइट आउट फाइन कि हो सकता है चीजें ठीक हो जैसे किसी से बात करनी है और वो इंसान कह रहा है कि मेरा ख्याल है बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ें ख़राब हो, हो जाएंगी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी आपने कहना हो कि हो सकता है सिचुएशन ठीक हो जाए हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएँ तो आप कहेंगे इट माइट वर्क आउट फाइन हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए ठीक है तो वहाँ पर किसी भी सिचुएशन में आपने दूसरे इंसान को अगर ये आपने एक होप देनी है ना कि भी हो सकता है कि जो भी तुम करने जा रहे हो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकल आए तो इसको ट्राई ज़रूर करो कर लो इस चीज़ को तो वहाँ पर आप कहते हैं कि इट माइट वर्क आउट फ़ाइन कहीं हो सकता है सब ठीक हो जाए अच्छा जी नेक्स्ट है जी आई हैड अ ग्रेट टाइम हैंगिंग आउट विद यू यस्टरडे किसी दोस्त से आप मिले हैं आपने बड़ा अच्छा वक्त उसके साथ गुजारा है अब आपने उसको बोलना है कि तुम्हारे साथ यार वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा है तो वहां पर आप कहेंगे आई हैड अ ग्रेट टाइम इतना भी बोल सकते हैं ठीक है आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा या ये भी बोल सकते हैं आई हैड अ ग्रेट टाइम हैंगिंग आउट विद यू तुम्हारे साथ हैंग आउट का मतलब भी जो इधर उधर घूमना फिरना होता है ना किसी इंसान के साथ जो आप वक्त गुजारते हैं घूमते फिरते हैं तो वो होता है कि सिर्फ लेकिन सिंपल इतना भी बोलते हैं ना आई हैड अ ग्रेट टाइम इतना भी काफ़ी होता है लोग इतना भी सिंपल भी बोलते हैं या इतना भी कहते हैं कि आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू यस्टरडे तुम्हारे साथ कल बहुत अच्छा वक्त गुजरा है ये भी इतना भी बोल सकते हैं हैंग आउट जो है वो ना भी यूज़ करें तो इट कन्वेज सेंस आपके जो जो कहना चाह रहे हैं वो कन्वे हो जाता है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी लेट्स प्लान अ गेट टुगेदर दिस वीकेंड विद द होल ग्रुप अक्सर फ्रेंड्स वगैरह होल ग्रुप मिलकर जो है वो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर कहीं मिलने का प्लान करते हैं ना तो वहां पर बोलना तो आप कहेंगे लेट्स प्लान अ गेट टुगेदर इतना भी बोल सकते हैं अगर आप अपने दोस्त को कहना चाह रहे हैं कि यार प्लान करें कुछ गेट टुगेदर प्लान करते हैं तो लेट्स मेक इट एट दिस वीकेंड कि इस वीकेंड पे रख लेते हैं ठीक है या फिर अपने इतना कहना है कि लेट्स प्लान अ गेट टुगेदर विद होल ग्रुप आओ यार सारे दोस्त मिल के पूरा ग्रुप मिल के जो है ना वो प्लान करते हैं ठीक है फिर आगे आप टाइम को डिस्कस कर सकते हैं कि कब और कहाँ पर जो है ना वो आपने ये वो मतलब जो भी आपने मीटिंग रखनी है नेक्स्ट रिमार्क पर से वे जो कीप पुशिंग कीप पुशिंग हम तब कहते है, अच्छा वैसे ये जिम में ज्यादा यूज होता है कीप पुशिंग इसका मतलब ये होता है कि मेहनत कोई इंसान किसी सर्टन चीज में एक अपनी मेहनत लगा रहा है और आपको लग रहा है क्या वो थक रहा है तो शायद वो रुक जाए अपनी जो जो भी वो वो भी स्ट्रगल कर रहा है जो भी वो कोशिश कर रहा है वो छोड़ देगा उसको तो वहां पर आप उसको इंकरेज करने के लिए फुशिंग कीप पुशिंग पुशिंग यू विल रीच योर गोल ठीक है आप अपने गोल पर पहुंच जाएंगे तो कीप पुशिंग कीप पुशिंग मेहनत करते रहो मेहनत करते रहो जो ना उस पे लिए जो ना वो जिम में अक्सर आप देखेंगे जिम में जैसे कोई जब कोई जब कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हो तो किसी एक पॉइंट पे लग रहा होता है ना कि वो रुक जाएगा तो अक्सर जो उसका इंस्ट्रक्टर या जो भी उसको गाइड या पास जो दोस्त है वो अक्सर बोलते हैं किप पुशिंग खिप पुशिंग मतलब कि मेहनत करते रहो हो जाएगा ये ठीक है ये एक इनकरेज करने के लिए एक जो ना ये फ्रेज है इसी तरह से हैंग इन देयर भी यूज होता है इसका भी सेम वही मतलब है हैंग इन देयर हैंग इन देयर ये भी कहने का मतलब यही होता है कि आप जो भी जिस भी चीज से है, ये हैंग इन देर स्पेशल जो ना वो जिंदगी के जो किसी मुश्किल सिचुएशन से कोई इंसान जो है वो जूझ रहा हो तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं कि हैंग इन देर मतलब कोशिश करते रहो कि एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह तुम जो हो ना इस इस प्रॉब्लम से इस तकलीफ से बाहर निकल आओगे तुम इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे तुम इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे हैंग इन देयर इंकरेज करने के लिए ये भी फ्रेज़ यूज होती है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है यू डोंट सीम वेरी हैप्पी ऑन हियरिंग दिस मुझे नहीं लगता कि तुम ये सुन के तुम्हें खुशी हुई है जब हमने किसी को कहना ना कोई आपने किसी कोई खबर की न्यूज़ सुनाई है और दूसरे इंसान को आपको फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ही इज़ नॉट हैप्पी शी इज़ नॉट हैप्पी तो आपके

गई वो गई ठीक है तो पावर, पावर जो है ना वो जा चुकी है आ, बिजली जा चुकी है ड्यू टू तो एडवर्स वेदर मौसम खराब की वजह से डोंट नो वन पावर विल बी बैक ऑन नहीं पता कि बिजली कब वापस आएगी ठीक है बिजली जाने के लिए Power इज़ आउट जो है वो यूज़ किया जाता है वापस आने के लिए बैक ऑन पावर इज़ बैक ऑन बिजली वापस आ गई है ठीक है तो उसके लिए यूज़ होता है नेक्स्ट हमारे पास है आई फाइंड इट आई फाइंड इट हार्ड टू टॉक टू हिम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है उसे बात करना uh, कभी कभी होता है घर में जैसे फादर होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं तो आप कहेंगे आई फाइंड इट हार्ड टू टॉक टू डैड मुझे डैड से बात करना जो ना बहुत मुश्किल लगता है ठीक है बॉस से बात करना मुश्किल आई फाइंड इट हार्ड टू टॉक टू बॉड्स बॉस से बात करना बहुत टफ लगता है मुश्किल लगता है जिसके साथ भी आपको लगता है ना उसे बात करना बहुत मुश्किल है या किसी भी चीज़ को करते वक्त आपको लगता है ना आपने ये कहना है कि यार ये चीज़ ना मुझे बड़ी मुश्किल लगती है तो वहां पर ये बताने के लिए कि ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है वहां पर आप ये बोल सकते हैं आई फाइंड इट हार्ड ठीक है hard, कि मुझे ये मुश्किल लगता है ठीक है जी ओके जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन खत्म होता है होप कि इंटरेस्टिंग थी आपको इस तरह के लेसन डेली सेंटेंसेस के लिए डेली यूज सेंटेंसेस के अगर लेसन चाहिए बताइएगा फिर मैं और शैसन बनाऊंगी आई सी रक्से हाफि